हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी से पत्र जारी हुआ है। सेवा में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग मधुबनी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला मधुबनी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला मधुबनी 8 अगस्त को जारी हुआ है। आज है 9 अगस्त, आज है काउंसलिंग। 9/8/2021 को निर्धारित काउंसलिंग के लिए दिशा निर्देश के संबंध में वहाँ से उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि दिनांक 9/8/2021 को विज्ञान गणित एवं भाषा विषय के काउंसलिंग आपके माध्यम से कराई जानी है, जिसमें 16 प्रखंडों के कुल 787 पदों के विरुद्ध काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी आपके केंद्र पर होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आपके द्वारा काउंसलिंग केंद्र पर माइकिंग तथा वीडियोग्राफी की व्यवस्था प्रत्येक कक्ष हेतु अलग अलग किया जाए। काउंसलिंग के लिए 2 टीम गठित की जाए और विलंब की स्थिति में तक्षण ही दूसरी टीम के कर्मियों को काउंसलिंग कार्य में लगाया जाए। विभागीय आदेश 11/5/621 दिनांक 3/7/2021 की कंडिका 4 और 6 के निर्देश में काउंसलिंग के लिए इच्छुक अभ्यर्थी को 11 बजे तक प्रवेश कराकर उनकी उपस्थिति अंकित करा ली जाए। तदोपरांत 11:30 बजे से काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद मुख्य द्वार से प्रवेश को वर्जित रखा जाए। मतलब नियम ऐसा बना है कि 11 बजे तक प्रवेश करा के और सबका अटेंडेंस बना लेना है और उसके बाद 11:30 से काउंसलिंग शुरू करवाना है। उसके बाद प्रवेश जो है वो वर्जित है, गेट बंद हो जाएगा। यथासंभव केंद्र के प्राचार्य से समन्वय स्थापित कर CCTV कैमरा को मुख्य द्वार एवं परिसर के सम्मुख रखा जाए और परिसर में भी लगातार वीडियोग्राफी कराया जाना अवश्यभावी होगा। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं स्टैंडिंग दंडाधिकारी से समन्वय स्थापित कर काउंसलिंग हेतु चयनित केंद्र के परिषद के अभिभावकों के प्रवेश को वर्जित किया जाए। नशीम अहमद, जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का ये पत्र जो है जारी हुआ है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को जानकारी मिल जाए कि 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है, 11:30 से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी।